हेलो फ्रेंड्स, आशा रखता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाजिर हो गए एक न्यू गेम प्ले वीडियो लेके। आज मैं लौट रहा हूँ मेरा घर, क्योंकि एक महीने से मैं घर से बाहर हूँ, काम के लिए आया था। तो फाइनली आज मैं बहुत ही खुश हूँ और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ भाग भाग के रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि मेरा जो ट्रेन है उसका शेड्यूल हो चुका है फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये जो ट्रेन है ना, ये मेरा घर के सामने जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तक नहीं जाता है, मतलब ये डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। तो मुझे फिर से भाई दूसरा स्टेशन जाना होगा, वहाँ से मुझे दूसरा ट्रेन पकड़ के जाना होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भाई थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा हमें। ये जो टैक्सी है ये भी मुझे बहुत सही सलामत यहाँ पर टाइम पे पहुँचा दिया, और जो ट्रेन है ये भी लगभग आ चुका है स्टेशन पे। और यहाँ पर हमें देखना होगा कौन सा स्टेशन में, मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म पे इस ट्रेन जो है अराइवल हो रहा है। पर उससे पहले मुझे यहाँ पर थोड़ा भाई भूख भी लगा है और मैं यहाँ पर कुछ खरीदना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो फूड स्टॉल है वो शायद यहाँ पर 6 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ है। तो यहाँ पर और एक बार मैं देख लेता हूँ ये जो ट्रेन अराइवल हो रहा है कौन सा प्लेटफॉर्म पे भाई, क्योंकि ये ट्रेन जो है यहाँ पर बहुत टाइम के लिए रुकने वाला नहीं है। तो शेड्यूल टाइम के अंदर ये छोड़ देगा, स्टेशन से डिपार्चर कर लेगा। तो फ्रेंड्स जल्दी चलो। और यहाँ पर फ्रेंड्स आज मैं बहुत ही खुश हूँ भाई, इतना दिनों के बाद मैं अपना घर जो लौट रहा हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो फूड स्टॉल है ये हमें दिख गया है, ये 5 और 6 नंबर प्लेटफॉर्म के बीच में है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। और ये जो मतलब अगर ट्रेन यहाँ पर 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी आ जाए तो यहाँ पर एक फूड ब्रिज भी है, उसके मदद हम लेंगे। तो ये फूड स्टॉल हमें मिल चुका है। और ओ भाई ये जो ट्रेन है ना ये 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुका है WFO लोकोमोटिव के साथ उत्कृष्ट कोच। और यहाँ पर हमारा जो कोच है सेकेंड सीटिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, वो हम ढूंढ लेंगे। तो पहले यहाँ पर कुछ चिप्स हम खरीद लेते हैं और एक वाटर बोतल भी हम यहाँ पर ले लिया साथ में। और फ्रेंड्स चलो फूड ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर बाहर में जो वेदर है बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, आज मतलब बहुत ही दिन जो है ना बहुत ही बढ़िया है आज। पर यहाँ पर मुझे एक टेंशन हो रहा है, ये जो ट्रेन है ये जब दूसरा स्टेशन हम जाएंगे ना तो वहाँ से जो ट्रेन है वो मतलब एकदम टाइमली आता है फ्रेंड्स, वो डिले नहीं होता है वो ट्रेन। तो राइट टाइम में जब हम पहुँच जाएंगे उस स्टेशन पर तो मेरा जो डेस्टिनेशन वाला स्टेशन है उसका जो ट्रेन है तो वो मुझे मिल जाएगा। तो अभी हम तो जा रहे हैं 7 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ, और ऊपर से जो व्यू आ रहा है प्लेटफॉर्म का वो क्या बढ़िया। तो यहाँ पर एकदम लास्ट प्लेटफॉर्म है, ये रेलवे जंक्शन है भाई, जल्दी जाते हैं। और यहाँ पर जो मेरा कोच है ये एकदम सामने मिल चुका है फ्रेंड्स, और ये कोच नहीं है। मुझे पहले लग रहा था दूसरा स्टेशन से कि ये कोच है, पर इसका जो नंबर है मेरा कोच से अलग है। तो मुझे थोड़ा सामने की तरफ जाना होगा, मतलब जहाँ पर लोकोमोटिव है। तो और एक बार जाते हैं भाई, नहीं ये तो नहीं है, थोड़ा सामने जाना होगा। यहाँ पर ये जो शेड के नीचे जो कोच है वहाँ पर हम अराइव करेंगे। और ट्रेन का शेड्यूल टाइम यहाँ पर लगभग हो चुका है फ्रेंड्स, मतलब ये ट्रेन भी यहाँ पर ना बहुत ही जल्द यहाँ से डिपार्चर कर लेता है। और ये चलाया हम कोच के अंदर और मुझे मिला है यहाँ पर विंडो सीट, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। दूर का ट्रेन जर्नी हो और उसके साथ विंडो सीट मिल जाए तो भाई यहाँ पर तो ऑसम एक्सपीरियंस होने वाला है फ्रेंड्स। आप भी मुझे कमेंट करके बताइए विंडो सीट में जब आप जर्नी करते हो तो आपको कैसा लगता है फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेन में दूर पर जर्नी कर रहे हो। ठीक है, तो वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो ये तो फिलहाल मुझे मिल चुका है विंडो सीट। ओ भाई 7 नंबर प्लेटफॉर्म में भी एक फूड स्टॉल था, मैं भाई मतलब इतना हार्ड वर्क करके 5 और 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे गया भाई, ये तो ठीक नहीं हुआ फ्रेंड्स। ठीक है कोई बात नहीं है। तो ये विंडो सीट अच्छा है, ये खाली मिला फ्रेंड्स तो मैं यहाँ पर आके बैठ गया। वहाँ से कुछ व्यू हमें ना देखने को नहीं मिल रहा है, पर वो जो सीट है वो मेरा सीट था। और यहाँ पर एक्चुअली मुझे बहुत दूर जर्नी करना है और इसके बाद जो अगला स्टेशन आएगा वहाँ पर हम उतरेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो मेरा ट्रेन है वहाँ पर मैं चेंज करूँगा और दूसरा ट्रेन मैं पकड़ूँगा। तो फिलहाल ये विंडो सीट बहुत ही बेहतर है, यहाँ से जो व्यू है ये ज़बरदस्त आने वाला है। और इस बीच हमारा ट्रेन जो है यहाँ पर डिपार्चर करने के लिए तैयार है, क्योंकि ट्रेन का जो हॉर्न है ये ब्लो हो चुका है फ्रेंड्स। और ट्रेन कितना धीरे धीरे स्टेशन को डिपार्चर कर रहा है। ओ भाई, और महामना एक्सप्रेस का एक ट्रेन भी हमें देखने को यहाँ पर मिल चुका है, और ट्रेन का स्पीड यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और हम जस्ट यहाँ पर जो स्टेशन है उसको क्रॉस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि बीच बीच में मैं थोड़ा यहाँ पर डोर जो है उसका व्यू भी हम देखेंगे, डोर व्यू एक्चुअली।
ठीक है, तो वहाँ से जो व्यू आएगा वो भी बहुत ही बढ़िया आएगा। पर फिलहाल विंडो सीट का व्यू तो यहाँ पर औसम है और उत्कृष्ट कोच का एक ट्रेन हमें दूर पे यहाँ पर देखने को मिला है। क्या पैरेलल होगा फ्रेंड्स? नहीं नहीं, पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये जा रहा है दूसरा दिशा पे। तो ट्रेन जर्नी जो है ये नॉन स्टॉप होने वाला है, मतलब अगला जो स्टेशन आएगा वहाँ पर हम उतरेंगे फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि एक बार रेलवे जंक्शन से महामाना एक्सप्रेस का ट्रेन जर्नी करूँ। भाई महामाना एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी मुझे बहुत ही भाई अच्छा लगता है, तो मैं एक बार रेलवे स्टेशन से किया था, तो मैं सोच रहा हूँ इस बार रेलवे जंक्शन से करूँ। और जो भाई व्यू आएगा ना बहुत ही बढ़िया आएगा यहाँ पर। और ट्रेन का स्पीड यहाँ पर थोड़ा धीमा हो चुका है अचानक, एक्चुअली बहुत सारा क्रॉसिंग है यहाँ पर तो इसलिए शायद। तो बहुत दूर जाने के बाद यहाँ पर हम तीन स्टेशन को स्किप कर चुका है फ्रेंड्स, और अब हमारा जो डिस्टेंस स्टेशन है वो लगभग आ चुका है। और बीच में ट्रेन का जो स्पीड था ना भाई बहुत ही खतरनाक था, मज़ा आ गया था। और विंडो साइड से मैं देख रहा था भाई, मतलब बाहर का जो स्टेशन स्किप हो रहा था ना, मतलब कितना तेज़ रफ्तार से भाग रहा था हमारा ट्रेन। और यहाँ पर हम लकी है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो डिस्टेशन वाला ट्रेन है वो अभी थोड़ा डिले में है, तो इसलिए ये जो ट्रेन है ये ऑन टाइम है। तो अगर ये ट्रेन हाथ से निकल जाएगा ना तो मुझे लगभग यहाँ पर 5 घंटे वेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो भाई मतलब यहाँ पर शाम हो जाएगा, तो भाई कोई काम का नहीं रहेगा यहाँ पर ना। तो फ्रेंड्स ये ट्रेन जो है किसी भी हाल में हमें पकड़ना है, और इसलिए हम लकी है ये ट्रेन जो है वो हम पकड़ पाएंगे फ्रेंड्स। तो ये वो स्टेशन है जहाँ से हम ट्रेन को चेंज करेंगे। और भाई बाहर में इतना धूप है, ठीक है कोई बात नहीं है, पर वेदर बहुत ही अच्छा है आज। और यहाँ पर हमें झट से जाना होगा दूसरा तरफ, क्योंकि जो ट्रेन आने वाला है वो दूसरा दिशा पे जाएगा। तो जल्दी चलो फ्रेंड्स। ट्रेन जो है स्टेशन पे अराइवल हो चुका है, और यहाँ पर हम एकदम राइट टाइम पे मैं अपना घर पहुँच जाऊँगा, क्योंकि ये जो ट्रेन था डिले में था तो अभी ये राइट टाइम हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेरा कोच है थोड़ा बैक साइड की तरफ है, तो वहाँ पर हमें भाग के जाना होगा, क्योंकि ये ट्रेन जो है ये यहाँ पर बहुत टाइम के लिए रुकने वाला नहीं है। और फाइनली हमारा ट्रेन यहाँ पर डिपार्चर कर लिया स्टेशन से, और फिर हमें विंडो सीट मिल गया। और ट्रेन आज थोड़ा खाली है तो ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि विंडो सीट चाहिए भाई। तो हमारा जो ट्रेन है ये डेस्टिनेशन स्टेशन पे जब पहुंचेगा तो भाई उस टाइम शाम हो जाएगा, तो लगभग 5 बज जाएगा, 5:30 हो जाएगा। तो ठीक है भाई, यहाँ पर तो विंडो सीट मिल चुका है और बाहर का जो व्यू होगा वो भी बढ़िया होगा। और यहाँ पर और एक बात है, तो जब हम जर्नी करेंगे तो हमारे जर्नी के बीच में एक रेलवे ब्रिज आएगा जो बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ से ट्रेन का जो मतलब व्यू आता है बहुत ही बढ़िया आता है, ठीक है। और नीचे से भी भाई ब्रिज के नीचे से भी ट्रैक गया है, तो वहाँ पर भी ट्रेन जाता है भाई, मतलब बहुत ही काफ़ी औसम व्यू आने वाला है फ्रेंड्स, तो वो भी हम देखेंगे फ्रेंड्स। और ये जो स्टेशन पे हमारा ट्रेन अभी हॉल्ट किया है, इसके बाद आएगा मेरा डेस्टिनेशन स्टेशन मतलब मेरा घर। तो ट्रेन का जो हॉल्ट है यहाँ पर मतलब बहुत ही कम है, और सामने एक फूड स्टॉल हमें देखने को मिल गया है, तो मैं यहाँ पर एक्चुअली बीच में गया था फूड स्टॉल में और वहाँ से कुछ खरीद के ले आया खाने का चीज़। फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था ना यहाँ पर एक रेलवे ब्रिज है जो बहुत ही सुंदर है, तो फ्रेंड्स अब वो ब्रिज आने वाला है, सामने है जस्ट। और यहाँ पर बहुत सारा ट्रैक्स है, और वैक 4 लोकोमोटिव के साथ और एक ट्रेन, और वैक 7 लोकोमोटिव के साथ आईसी ब्लू कोच का और एक ट्रेन यहाँ पर आ रहा है, स्टेशन पे अराइवल हो रहा है। तो ट्रेन का जो हमारा स्पीड है अभी थोड़ा धीमा है, इसके बाद इंक्रीज हो जाएगा बाद में। वाओ स्पीड यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है, और रेलवे ब्रिज जो है यहाँ पर आ चुका है, ये देखिए फ्रेंड्स। अब हमारा ट्रेन जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो दो साइड में जो ट्रैक्स दिख रहा है ये नीचे से एकदम सीधा निकल जाएगा, ब्रिज के नीचे से दूसरा साइड में चला जाएगा। और ये ब्रिज का जो कर्व है भाई कितना औसम लग रहा है। यहाँ पर मैं देखने का कोशिश करूँगा, मतलब ट्रेन जब यहाँ पर कर्व होता है ना उसका जो व्यू आता है मुझे तो बहुत ही औसम लगता है फ्रेंड्स। और इस बीच का दूसरा साइड में जो रेल स्टेशन आने वाला है फ्रेंड्स, तो वो मेरा एक्चुअली डेस्टिनेशन स्टेशन है। और
यहाँ पर देखने को मिल गया है फ्रेंड्स, दूर से दिख रहा है लास्ट कोच जो है वो भी हमें देखने को मिल गया। और दूर से एक वेब 4 लोकोमोटिव के साथ महामना एक्सप्रेस क्रॉस कर रहा था, तो वो व्यू हम मिस कर गए। एक्चुअली जो हमारा ट्रेन है ये आगे निकल गया और जो महामना एक्सप्रेस ट्रेन था वो पीछे रह गया था, इसलिए भाई ठीक है कोई बात नहीं है। और फिर से और एक बार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जो मेरा लगेज है उसको ले लिया। हमारा स्टेशन यहाँ पर आने वाला है डेस्टिनेशन स्टेशन, तो इसलिए हम पहले से तैयार है। और यहाँ पर ट्रेन मतलब ज़्यादा देर नहीं रुकेगा ओ, इसलिए और एक बात है। तो हम पहुँच गए फाइनली हमारा डेस्टिनेशन स्टेशन, और यहाँ से लगभग मेरा घर है 1 किलोमीटर के आसपास। और इसके साथ आज का जो ट्रेन जर्नी था ये बहुत ही औसम था, और जितना भी व्यू हमें देखने को मिला वो बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया था। और भाई आज का दिन बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर हमारा जो लोकोमोटिव है उसका जो व्यू है हम एक बार देखना चाहेंगे यहाँ पर, और उसका डिपार्चर करने का जो मतलब एंगल होगा वो भी हम यहाँ पर देखने का कोशिश करेंगे। पर भाई ये ट्रेन का डिपार्चर टाइम हो चुका है लगभग, अभी भी लाल सिग्नल है। तो ये है हमारा ट्रेन का लोकोमोटिव। ओ भाई ग्रीन सिग्नल हो चुका है फ्रेंड्स, चलो चलो जल्दी चलो सामने जाते हैं, यहाँ से हम देखते हैं। वाओ वाओ कितना बढ़िया ट्रेन डिपार्चर कर रहा है फ्रेंड्स। और ये आज का हमारा ट्रेन था जो हमें पहुँचा दिया सही सलामत ऑन टाइम पे हमारा डेस्टिनेशन स्टेशन। तो फ्रेंड्स आज का गेम प्ले वीडियो बस इतना ही, कमेंट्स करके मुझे जल्दी बताइए आज का ये गेम प्ले वीडियो आपको कैसे लगे। बहुत जल्द मिलते हैं दूसरे गेम प्ले वीडियो के साथ। थैंक यू।